चलो लास्ट टाइम हमने देखा था भाई हम लोग कैसे करेक्टर को इंपोर्ट किया, कैसे चीज़ों को मैनेज कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर चीज़ों को अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, तो लाइक यहाँ पे लाइक मैं अगर यहाँ पे न्यू मटेरियल असाइन कर दूँ यहाँ पे, तो मुझे आर्नल में आके ये मैट करके मैं सर्च करूँ मैट। ठीक है, मैट शेडर पर अगर एक बार डालते हो तो यहाँ पर चीज़ें कैसे देखते हैं, दो मैट हैं। ठीक है, लाइट हमने लगाए देखा, रेंडर करके देखते हैं यहाँ पर, तो ये एक AI मैट आपका वैसे ऐसा आ रहा है। दो सा पार्ट मैंने यहाँ पर असाइन न्यू मटेरियल, ठीक है, आर्नोल्ड मैट शेडर किया मैंने यहाँ पे मैट्रिक पर, ये दूसरा यही है। AI स्टैंडर्ड न्यू मटेरियल मैट्रिक्स, ठीक है, क्रॉस चेक करो एक पर यहाँ पे, यहाँ पर शेड में चलते हैं, यहाँ पे क्रॉस चेक करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों को मैं आकर मैं चीज़ों को, या तो मैं एक AI शैडो करके मैंने यहाँ पे डाल रखा था, AI शैडो करके यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा मैट एंड शैडो। देखो AI शैडो दिख रहा है आपको यहाँ, तो आपका यहाँ पे शैडो यहाँ पे दिखना स्टार्ट। ये मैट आपने यूज़ किया AI शैडो पर, अगर आप यहाँ पे काम करोगे तो अभी आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, AI शैडो मैट है, इसमें क्या होगा कि बेस नहीं आएगा आपका, आपका कैरेक्टर का शैडो सीधे यहाँ पर आएगा। तो आप इसको यहाँ पे जैसे आपको शैडो निकालना है तो शैडो का पास आपको अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, या शैडो को अगर आप यहाँ पे बैलेंस करो कंट्रोल ए प्रेस करके, जैसे दे रखा है यहाँ पे आर्नोल में गए यहाँ पे, अगर मैं कहूँ ठीक है शैडो मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा अगर मैं प्ले करूँ यहाँ पे, ठीक है जो लाइट एंगल है देन, और थोड़ा सा शैडो इसको थोड़ा सा बढ़ा के देखें यहाँ पे, ठीक है कुछ लगता है इसे, देखो बहुत हार्ड शैडो आ रहा है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए यहाँ पे लिमिटेड ही ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी ये काम का हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे मैनेज कर देते हैं। जैसे लाइक थोड़ा सा इन दोनों साथ में प्ले करके दिखाऊँ आपको, यहाँ पे कुछ अच्छा एडजस्टमेंट होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हम लोग ये कंपोस्टिंग में ज़्यादातर मैनेज किया जाता है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, इसके शैडो को हम लोग कंपोस्टिंग में जाके मैनेज कर देंगे कि भाई ऐसा मुझे कुछ काम करना तो कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अभी इसके यहाँ तक अगर कोई भी चीज़ को निकालना पड़े तो मेरे पास सबसे पहला काम यहाँ पे क्या होगा, ठीक है अगर मैं चीज़ों को दिखाऊँ यहाँ पे, ठीक है देख यहाँ पे मैंने यहाँ पे आर्नोल पे किया, आर्नोल पे दिखा, तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा पार्ट पे लेकर के देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ मेरे पास ऐसे कुछ देखने को मिलेगा कि मेरे पास ऐसा कोई करेक्टर जो मूवमेंट में देख रहे हैं। तो ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो। इसके साथ में और भी कई चीज़ें हैं जिसके साथ हम लोग चीज़ों को देखेंगे, भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे करेक्टर को कैसे मैं मैनेज करके यहाँ पे निकालूँ। तो अभी इसका रेंडर निकालेंगे, पहले करेक्टर का रेंडर, बैकग्राउंड हमने निकाल लेकर शैडो का अलग रेंडर निकालेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग इसे कंपोज कर देंगे, तो हमारे पास वो कंपोजिंग में वो सारे पार्ट यहाँ पे बैलेंस होकर देखिएगा कि हम लोग ऐसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके अंदर और एडवांस भी काम करना चाहे तो बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मान लो अगर मैं फॉर अ टाइम बिंग अगर मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैंने लिया, मेरे पास अभी ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि तो ऐसा कलर एक्शन एंड कंपोजिंग वाला पार्ट हमें यहाँ पे डील करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे चीज़ों को दिखाया तो मेरे पास सभी चीज़ें किस टाइप की हैं, ठीक है एनवायरमेंट किस टाइप का, ओवरऑल एम्बियंस किस टाइप का। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो मुझे एक सिंपल सा पार्ट आर्नोल्ड पे गए, एक एम्बियंस के लिए मुझे यहाँ पे सिंपल सा पार्ट यहाँ पे मैंने क्या किया, लाइट पे जाके स्काईडोम लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है एक ओवरऑल एक एम्बियंस चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है ओवरऑल एम्बियंस के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, प्रोस्पेक्टिव में जो मेरे पास है ना कंट्रोल है, तो मैं यहाँ से या तो कोई ऐसा नाइट स्काई ले लूँ यहाँ पे, या फिर ऐसा कोई कलर ले लूँ जो मुझे उसे लगे कि यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे। तो जब आप इसे रेंडर करोगे तो थोड़ा सा ये ओवरऑल एक थीम में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया रेंडर में जाके यहाँ पे रेंडर में जाके कैमरा देखिए यहाँ पे, अभी मुझे यहाँ पे क्या इस डोम को नहीं लेना, ठीक है डोम को नहीं लेना, तो डोम के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं इसके कैमरे में जाके इसको मैंने ऐसे नील कर दिया, तो यहाँ पे कैमरे में ये डोम नहीं आया मेरे, अब एम्बियंस देखो पूरा का पूरा इम्पैक्ट इसका ओवरऑल इम्पैक्ट आपके कैरेक्टर पे आएगा, लेकिन वो आपका रेंडर में नहीं आएगा। तो अभी आपको यहाँ पे क्या काम करना है, सिंपल सा पार्ट कैरेक्टर को आपका रेंडर निकाल देना है, कैरेक्टर का देन आपका शैडो का सारे का रेंडर आप यहाँ पे निकाल के अलग से रेडी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका क्लीन पेंट के साथ आप कैरेक्टर को कैसे मिक्स एंड मैनेज कर सकते हो। इसमें कुछ कुछ चीज़ें और भी हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कोई बर्ड एनिमेट है तो बर्ड को कैसे रिक कर रहे हैं, कैसे एनिमेट कर रहे हैं वो चैनल पे, उसका थोड़ा सा मैं आपको उसका भी मैं एक ऐड ऑन करवा दूंगा भाई कैसे क्या काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये अगर पार्ट देखूँ मैं अगर यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे मेक श्योर
इन चीज़ों को दोस्तों हम लोग देखें यहाँ पे, तो कैसे बैलेंस करके मैनेज करना चाहे तो कर सकते हैं यहाँ पे रेंडर पे गए। अभी मुझे यहाँ पे सिंपल मुझे इन चीज़ को कैसे मैनेज कर देना है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे करेक्टर ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। करेक्टर के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट न्यू लेयर लेके ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे। तो करेक्टर में बस यहाँ पे लाइट आप ले लो आप यहाँ पे, ठीक है। तो लाइट में आपने करेक्टर एंड लाइट लिया यहाँ पे, मेक श्योर यहाँ पर अगर आप रेंडर करने वाले हो तो सिंपल करेक्टर के साथ आपका लाइटिंग ही आने वाला है, ठीक है। ओके, तो हम लोग करेक्टर के लिए दे देंगे यहाँ पे CHARACTER करेक्टर। करेक्टर के साथ आप एक चीज़ देखो, एक तो मैंने मेजर शैडो के लिए यहाँ पे दे रखा है, आप करेक्टर के साथ आप की फिल एंड रिम भी दे सकते हो अगर चीज़ों का आप थोड़ा सा बेटर वे में मैनेज करना चाहो तो। सिंपल सा पार्ट लाइट में जाके आप यहाँ पे एरे लाइट लेके मैनेज कर दो, ठीक है। मास्टर पे ही कर रहा हूँ और ये मैं इसको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, जैसे मैं क्या पैनल लुक तो सिलेक्टेड यहाँ पे मैं गया यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, ठीक है। जैसे ये मैंने फिल के लिए दिया था, फिल के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ। एनिमेशन को पूरा देख लेना, एनिमेशन में किधर की तरफ ये क्या पार्ट कहाँ जा रहा है। आप चाहो तो इसके साथ आप पैरेंट भी कर सकते हो लाइट को, जैसे करेक्टर के एनिमेशन के साथ जा रहे हैं ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। करेक्टर के साथ आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करोगे तो थोड़ा सा आपको इम्पैक्ट देखिएगा। कंट्रोल ए नॉर्मलाइज मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को मैनेज करते नजर आएंगे तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस चेक कर लें यहाँ पे वही करेक्टर के साथ। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का पार्ट भी यहाँ पे देखिए, आप देखो थोड़ा सा ये मिक्स होकर नजर आ रहा है, पहले भी वो अलग आ रहा था। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे मैनेज करोगे तो आपके पास यहाँ पे काम आएगा। ओके, इस बार लाइट को फॉर ए टाइम एक बार ऑफ करके देख लेना कि भाई मेरे पास यहाँ पे रेंडर में कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे अच्छी दिखेंगे आपके पास यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसे करके मैनेज करना चाहते हो मैनेज कर सकते हो। सेम चीज़ कंट्रोल डी डेविल है, डेविल को यहाँ पे दिखाना है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैसे तो देखें अभी लाइक इस मूवी के क्रिटिक्स भी बहुत तगड़ी चल रही है, ठीक है। लेकिन हाँ चलो VFX को तो हम लोग यहाँ पे अवॉइड नहीं करेंगे, ठीक है। मैं तो यहाँ पे रेड का तो सा जेड वो नहीं देंगे, लेकिन हाँ तो सा यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स सी यहाँ पे मैंने तो सा दिया यहाँ पे, तो मेक श्योर जो पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे तो सा इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, पैनल लुक तो सिलेक्टेड ये पार्ट और सा मैंने इधर से कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एक्सपोजर भी बढ़ा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने तो और चीज़ों को मैंने मैनेज भी किया, और जैसे मैंने आप देखा यहाँ पे काइंड ऑफ आर्नोल्ड ओपन इंटरव्यू देख रहे हैं यहाँ पे, अभी रेड का पार्ट और सा दिखना स्टार्ट हुआ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रोजेक्टिव में गया, इसको मैंने थोड़ा सा और मैंने कहा देखो थोड़ा सा रिम, देखो यहाँ पे रिम में देना चाहूँ तो मैं, मुझे अगर करेक्टर को नेगेटिव दिखाना तो मैं रेड कलर दूंगा तो वो चीज़ें आएंगी क्या। लेकिन अगर मैं तो सा बैकग्राउंड साथ में मैच करूँ तो मुझे तो सा इधर से ये वाला कलर तो सा देना पड़ेगा यहाँ पे, जो अब रिजेंबल कर जाएगा अपने सीन में कि अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो अब ये सीन इसके साथ मैच करता नजर आएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पे कि भाई चीज़ों को मुझे अगर ऐसा कुछ मैनेज करना है तो मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे। दिस वन ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या क्या नॉर्मलाइज कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। पैनल लुक तो सिलेक्टेड ये पार्ट आपका यहाँ पे है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से भी मैं थोड़ा सा मैं अगर मैं मैनेज करके चलूँ यहाँ पे भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पीछे की तरफ जो मैंने दिया यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं इस वाला लाइट के अंदर भी थोड़ा सा मैं एक्सपोजर एंड ऑल दिस थिंग देखें यहाँ पे, तो फिल लाइट भी आपके यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा क्या। इम्पैक्ट आप देना चाहो तो दे सकते हो आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो अभी ओवरऑल एक लुक एंड फिल मैच होगा यहाँ पे कि आप लाइटिंग कैसे करके मैनेज करके दे रहे हो, ठीक है यहाँ पे। और देन अगर मैं देखूँ यहाँ पे दोस्तों मेरे पास जो बैक वाला पार्ट है, अभी करेक्टर का जो कलर है वो भी कुछ आपका पर्पल टाइप से है, ठीक है। तो अगर मैं इन चीज़ों को मैंने जो रिम लाइट को मैंने पकड़ा यहाँ पे, रिम लाइट का जो अगर मैं बेसिक थीम दूँ, ये जो कलर मैंने पिक कर रखा है यहाँ पे, देखो ये चीज़ें मैं यहीं से पिक करूँ तो थोड़ा सा मेरे पास और बेटर दिखे यहाँ पे, तो थोड़ा सा उसके साथ रिजेंबल करेगा यहाँ पे। क्या आप ऐसे मैनेज करना चाहते हो तो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। चीज़ों को देखना है यहाँ पे, जब हम लोग मॉडल डाउनलोड करके यहाँ पे यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर जो क्या बोलते हैं इसका कंट्रोल है, इसका जो स्पैकुलर वाला पार्ट है वो बहुत जल्दी कंट्रोल में नहीं होता। तो मेक श्योर राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है, स्पैकुलर के अंदर जाना है यहाँ पे। इसके अंदर कलर बैलेंस होगा, कलर बैलेंस को आप यहाँ पे आप थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपका यहाँ पे काम देखिएगा यहाँ पे। ये ध्यान देना अगर आपके यहाँ पे ये ऑन होगा ना तो ये स्लो चलेगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा
इन चीज़ को आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करके देखोगे आप यहाँ पे तो बेटर देखिएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तभी आप इन चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, आपको इस चीज़ें पूरा फुलफिल होके आएगा क्या, ठीक है। करेक्टर पे गए, करेक्टर पे जाकर आपको यहाँ पे क्या करना है, करेक्टर के अंदर करेक्टर की लाइटिंग आपको यहाँ पे ऐड ऑन कर देना है। यहाँ पे 1, 2, 3 ये तीनों लाइट दिख रहे हैं आपके यहाँ पे, तो करेक्टर लाइट में आपने यहाँ पे ऐड ऑन कर देते हैं, यहाँ पे आपका करेक्टर देखेगा यहाँ पे। तो मेक श्योर आपका करेक्टर ही आना चाहिए, ठीक है, करेक्टर ही आएगा। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, शैडो के लिए आपको काम करना है, तो शैडो के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, मेजर दिस वन एंड दिस वन W, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये भी सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे मैंने, ठीक है। और देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शैडो SHADOW शैडो, तो शैडो में ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। पर शैडो में हमने ऐड ऑन किया कि नहीं, यहाँ पे लाइट को मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया, ऐड मुझे शैडो चाहिए, तो मेरे पास करेक्टर नहीं चाहिए, तो करेक्टर के लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, ठीक है, जैसे अर्नोल्ड में मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, AI से मैंने शैडो मैट किया, AI अगर मैं यहाँ पे AI मैट एक बार यूज़ करके देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए, देखेंगे क्या क्रॉस चेक करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं बस ये अगर चीज़ों को मैं ऐसे दिखाऊं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं। दूसरी चीज़ अगर मुझे लगता है कि अगर इसके हाथ में अगर काम नहीं करना चाहता मैं प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ भी कर सकता हूं, तो मेरे पास शैडो ऐसे भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चीज़ों को एक बार देखेंगे भाई, मुझे यहाँ पे अगर मैट का अगर मैंने यूज़ किया तो ऐसे भी काम कर सकता हूं यहाँ पे, अदरवाइज मैंने स्किप किया यहाँ पे, और यहाँ पे एक रेंडरिंग ऑप्शन में यहाँ पे क्या करोगे, प्राइमरी विजिबिलिटी राइट क्लिक क्रिएट लेयर ओवर राइट क्रिएट लेयर ओवर राइट आप इसमें ऑफ कर सकते हो आप यहाँ पे, तो आपका कैरेक्टर तो नहीं आपका शैडो जरूर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो कैरेक्टर आपके यहाँ पे आ गया, शैडो आपके यहाँ पे आ गया, बाकी चीज़ को आपको नीड नहीं है, और बाकी इन दोनों का आप अगर रेंडर निकाल लेते हो तो आपका शॉट रेडी हो जाता है, और देन आप इसे कंपोज करके आप दिखा सकते हो कि भाई कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे।